धर्मशाला के साथ लगते गांव खनियारा में शुक्रवार अचानक तेज वर्षा के बीच घुल्लू नाले में पानी का तेज बहाव आ गया। इससे लोगों के घरों में पानी घुस गया व सामान सड़क पर बहने लगा। माना जा रहा है कि ऊपर पहाड़ी पर बादल फटने के कारण घुल्लू नाले में अत्यधिक पानी आया है। नाले का बहाव इतना तेज था कि मलवा नाग मंदिर सड़क व मुख्य सड़क से होता हुआ लोगों के घरों व दुकानों में जा घुसा। बड़े बड़े पत्थर भी सड़क तक आ गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, वहीं प्रशासन की तरफ से राहत बचाव के लिए टीम को भेज दिया गया। वहीं अभी तक जानकारी जुटाई जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है और पानी क्या क्या तबाही मचा चुका है। दोपहर अचानक मौसम खराब हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। इंदुनाग मंदिर के साथ बहते घुल्लू नाले में पानी का काफी तेज बहाव आया, जिससे लोगों के घरों में मलबा घुस गया। कुछ घरों और बिजली के ट्रांसफार्मर सहित अन्य नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम नीरज है। सर यहाँ क्या हुआ? आज दोपहर में बताया जा रहा है कि यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी और एकदम से नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और पानी इतना ज़्यादा बढ़ा कि इसके साथ जो है वो मलबा भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आया और साथ में चट्टाने और दूसरा जो मलबा था ऐसे दुकानों में आकर घुस गया कि जिससे काफ़ी संपत्तियों को नुकसान हुआ। गरीब लोग यहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं और दिहाड़ी करके उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन आज बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन से यही हमारा निवेदन है कि जो लोग यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ उन सब की नुकसान का जो है भरपाई की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर चला सके। यहाँ पे 3-4 दुकानें थी, एक रेनसेट था, साथ में एक दुकान का तो नामो 2-3 दुकानों का तो नामो निशान ही मिट चुका है। बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन सुख सिर्फ इतना सा है कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि कोई जान के नुकसान नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम अमित छोटू, खनियारा का रहने वाला हूँ। मतलब क्या घटना हुई है यहाँ पर, क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ सर, यहाँ पे बादल फटने की सूचना मिली थी 2:53 का, तो यहाँ पे लोगों की दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं लोगों के, बहुत नुकसान हुआ है और पेड़ बकरियाँ जो है वो दब गई हैं। और अगर बात करिए मुख्य पुल है घुल्लू पुल जो है और इंदुनाग मंदिर जो है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें बही हैं? इंदुनाग मंदिर के पास जो दुकानें थी वो तो बह गई हैं, वो तो नीचे चली गई हैं, वो तो दिख भी नहीं रही पानी में। बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे और लोगों के घरों को भी मलबा गया है या पानी? हाँ, लोगों के घर में जो पानी चला गया, पत्थर चले गए हैं लोगों के और लोगों ने घर अपने जो है वो खाली कर दिया। तो जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बाद में पता लग जाएगा कि हुआ क्या है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपचित निपी की रिपोर्ट।